एक बार फिर से गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का नाम चर्चा में है। बात ग्वालियर के करते हैं क्योंकि पहली आवाज़ यहीं से उठती है। ग्वालियर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने कालीचरण समेत 5 लोगों का सम्मान किया है। इन लोगों को गोडसे आप्टे भारत रत्न सम्मान दिया गया है। साथ ही नारायण आप्टे की गिरफ्तारी के शोक में स्मृति दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखंड भारत का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि आज के ही दिन गोडसे की गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर के अंदर 30 जनवरी को गोडसे आप्टे स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। संत श्री कालीचरण जी महाराज, श्री किशोर महावर, श्री आनंद महावर, श्री नरेश बाथम और पवन महावर का जो उन्होंने गोडसे मंदिर बनाने के बाद ग्वालियर में जेल यात्राएं की, उनको गोडसे आप्टे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे हिंदू महासभा भवन दौलतगंज ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, कोई भी सम्मान दे सकता है। सरकार हमेशा गांधी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। भारत रत्न देने की कोई अपनी व्यवस्था है? भारत रत्न देने की अपनी कोई सिस्टम है? अब मैं कहूं कि मैं इनको भारत रत्न दे रहा हूं तो क्या इनको भारत रत्न मिल गया क्या? ये देखिए, आप लोग भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। ये कोई ऐसे कोई रोड पे खड़ा होकर के कहने लग गया कि साहब मैं भारत रत्न हो गया, तो हो जा भैया भारत रत्न। कोई देने से दे रहा है तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर। अगर आप सरकार की बात करते हैं, तब मैंने कहा है कि गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है और इस पाठ के जरिए कांग्रेस महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देगी। दरअसल मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कोशिश है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए बीजेपी को उसके ही हिंदुत्व कार्ड से घेरने की है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में आज रात 8 से 9 के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हनुमान चालीसा के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता वर्चुअल हनुमान चालीसा का महापाठ करेंगे। इस महापाठ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी जुड़ेंगे। भोपाल से कार्यक्रम 2 वर्ष पहले किया गया था। हमारे राष्ट्र के राजनेता श्री कमलनाथ जी उसके आयोजक थे, लेकिन पिछले वर्ष उसको हमने शांतम से लाइव किया। कार्यक्रम आयोजन उन्हीं का था और इस वर्ष पुनः कमलनाथ जी ने आग्रह किया कि यह कार्यक्रम किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक हनुमान भक्त है। और आपको याद दिलाता हूं मैं कि इस कार्यक्रम में हम हनुमान जी महाराज की लीला को याद करते हैं और गांधी जी के समर्पण को। कई समानताएं हैं दोनों व्यक्तित्व में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम नाम उनके लिए भी मंत्र है, हनुमान जी के लिए और गांधी जी के लिए।